नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ क्षेत्र के अधिकांश गांवों में लंपी स्किन बीमारी के चलते अधिकांश गोवंश बीमार हैं। पशु चिकित्सालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव तालड़ा में 3 गोवंश पशुओं की मौत हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। गांव के अधिकांश गोवंश बीमारी से ग्रस्त हैं। पशु चिकित्सक देवेंद्र पाल अपनी टीम को साथ लेकर गाँव में डेरा डाले हुए हैं, जबकि पशु चिकित्सक का कहना है कि गोवंश के मरने की उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। जानसठ क्षेत्र के गाँवों में लंपी स्किन बीमारी ने ग्रामीणों के गोवंश पशुओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्षेत्र के गाँव तालड़ा, सलारपुर, जटवाड़ा, कव्वा, काटका, धाखेड़ी, नगला, मंदोड़, चित्तौड़ा, अहमदगढ़, मकसूदाबाद, खेड़ा, सादपुर, अहरोड़ा, बाजितपुर, कवाली सहित अन्य गांवों में पशुओं में लंपी बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल रही है। उक्त बीमारी को लेकर पशुपालकों में अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। ये जो डंगर है ना, मतलब गाय, इनके छोटे छोटे दाने दाने से हो गए पहले तो, और फिर वे इतने बड़े हो जाओ, और मतलब कुल मिला के इनकी खाल वाल वहां से सब फट जाओ। 3-4 डंगर यहाँ पे मर भी गए गाँव में। सरकार ने इसे नाम दिया है, जो मतलब ये वो बीमारी है लंपी स्किन, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे जो है मतलब हमें सरकारी डॉक्टरों की टीम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर को बुलाते हैं, 2 इंजेक्शन लगाता है और मतलब 250-300 रुपये ले जा, कुछ नहीं होता उससे भी। फिर आएगा 2 दिन बाद, फिर 2 इंजेक्शन लगाओगा, फिर इतने पैसे ही, कोई ड्रॉप व्रॉप दे जा पिलवाने के लिए। कुल मिला के आराम नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब देखो कुछ आदमी जो मजदूर हैं, अब ये मतलब इस बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे, वे अपने बच्चों को देखेंगे या बीमारी के बारे में देखेंगे। तो कुल मिला के यही बात है, यहाँ पे सरकारी डॉक्टरों की जो टीम चाहिए, जो इस बीमारी को सही तरीके से चेक करके जा सके, और यहाँ पे जो डंगर है इनके लिए कुछ मदद पहुँचा सके। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? सर ये गाँव है तालड़ा, तहसील जानसठ है, जिला मुजफ्फरनगर है। ठीक। केंद्रीय मंत्री जो पशुपालन विभाग जो संजीव बालियान जी है, उनके अंडर में ये गाँव है। ठीक। तो उनसे अनुरोध है कि आप जरा हमारी ये खबर